जन्मदिन मुबारक कभी कह दिया था इस अभिनेता ने फिल्मी दुनिया को अलविदा। फिल्म इंडस्ट्री मशहूर दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना की गिनती के हैंडसम विलेन में की जाती है। अपनी फिल्मों और निजी जिंदगी को लेकर विनोद खन्ना अक्सर सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन उनकी साफ सुथरी छवि को भी एक दो बार कंट्रोवर्सी से होकर गुजरना पड़ा। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी कंट्रोवर्सी ने फिल्मी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। जन्म विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था। उनका परिवार अगले साल 1947 में हुए विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गया था। उनके माता पिता का नाम कमला और कृष्णा चंद खन्ना था। पढ़ाई 1960 के बाद की उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिधेहम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। करियर उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1968 में आई फिल्म अनका मीत से की, जिसमें उन्होंने विलेन का किरदार निभाया था। कई फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक के किरदार निभाने के बाद 1971 में उनकी पहली सोलो हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई सक्सेस मिलने के बाद 1982 में विनोद खन्ना ने अचानक अपने आध्यात्मिक गुरुवार रजनीश ओशो की शरण में चले गए और ग्लैमर की दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। विनोद के अचानक इस तरह से चले जाने के कारण उनकी पत्नी गीतांजलि नाराज हुई और दोनों के बीच तलाक हो गया। विनोद और गीतांजलि के दो बेटे अक्षय और राहुल खन्ना हैं। 1990 में विनोद ने कविता से शादी की। कविता और विनोद का एक बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा है। फिल्मों के प्रति प्यार विनोद को फिर फिल्मों में खींच लाया और 1987 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से वापसी की। राजनीति करियर वर्ष 1997 और 1999 में वे दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से भाजपा की ओर से सांसद चुने गए। 2002 में वे संस्कृति और पर्यटन के केंद्रीय मंत्री भी रहे। सिर्फ 6 पश्चात ही उनको अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया। विनोद खन्ना अभिनेता होने के अलावा निर्माता और सक्रिय राजनेता भी रहे हैं। वे भाजपा के सदस्य थे और कई चुनाव जीत चुके थे। वे मंत्री भी रहे। 2015 में शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले में नजर आने के बाद उन्होंने इसी साल अप्रैल में रिलीज हुई फिल्म एक थी रानी ऐसी भी में भी अभिनय किया था। यह उनकी आखिरी फिल्म थी जो राजमाता विजय राजे सिंधिया पर बनी थी, जिसे गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने लिखा था। 1999 में विनोद खन्ना को उनके इंडस्ट्री में योगदान के लिए फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था।